पिछले दिनों सीपैक पर अमेरिका द्वारा जिस प्रकार के बयान आए उससे खास तौर से चीन के कान खड़े हो गए हैं। सीपैक चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह परियोजना चीन की सूची में सबसे ऊपर है। अगर यह धरातल पर कामयाब हो गई तो चीन का मध्य पूर्व, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंचने का एक अतिरिक्त गलियारा तैयार हो जाएगा। वर्तमान में इस हिस्से तक पहुंचने के लिए चीन के पास एकमात्र व्यावसायिक रास्ता मलक्का जल डबरू है, लेकिन यह रास्ता लंबा होने के साथ किसी आपात स्थिति में बंद भी हो सकता है। इसलिए चीन चाइना पाक आर्थिक गलियारे को लेकर अकेले पाक में ही $46 अरब का निवेश कर रहा है। लेकिन अब अमेरिका खुलकर चीन के खिलाफ मैदान में उतर आया है, यानी कहा जा सकता है कि ट्रेड वॉर दक्षिणी चीन सागर, उइगर और हांगकांग के मुद्दे पर अमेरिका ने उसे चारों तरफ से घेर डाला है। यह अमेरिका की वही रणनीति है जिसका इस्तेमाल वे किसी भी देश को कमजोर करने और दुनिया में उसकी बदनामी करके अलग थलग करता है। इसका स्पष्ट संकेत यह भी है कि अब चीन का भविष्य धीरे धीरे अमेरिका के पास गिरवी रखा जा रहा है। आने वाले वक्त में अमेरिका इन्हीं मुद्दों को लेकर चीन की हेकड़ी भी निकालेगा और उसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर बैकफुट पर भी धकेलेगा। 80 के दशक में चीन ने अपने बाजार को विदेशी निवेशकों के लिए खोलकर विकास के जो आयाम स्थापित किए उससे चीन में अहंकार की प्रकाष्ठा हो चुकी थी। उसने जहां आधुनिक हथियारों के निर्माण में बेतासा पैसा बहाया, वहीं महाशक्ति अमेरिका को आंखें दिखानी भी शुरू कर दी। घमंड में चूर चीन भूल गया कि उसकी अर्थव्यवस्था को गति देने में अमेरिकी कंपनियों का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। पिछले 30 सालों में चीन के पास अकूत धन आया तो उसकी महत्वाकांक्षा परवान चढ़ने लगी। सीपैक का निर्माण उसमें से एक है। साथ ही चीन ने एक पूर्वी गलियारे के बारे में भी कोशिशें शुरू की है, जो म्यांमार, बांग्लादेश और भारत होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जाता है। मगर यहां अमेरिका के बाद भारत भी उसके मंसूबों के खिलाफ खड़ा है, यानी दुनिया के दो पुराने और बड़े लोकतंत्र का गठजोड़ साम्यवादी मुल्क के पंख कुतरने के लिए एक साथ आ गए हैं। अमेरिका के साथ दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चीन की सबसे पहले ठनी। इसी बीच डोकलाम विवाद ने चीन और भारत के बीच खटास पैदा कर दी। यहीं से अमेरिका को चीन की महत्वाकांक्षा के सामने अपने वजूद पर संकट नजर आने लगा था। डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उदय राष्ट्रवाद के नायक के तौर पर हुआ है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन के प्रति बेहद नरम रुख अपनाया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की बढ़ती दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए उसकी आर्थिक उन्नति के स्रोत पर कड़क प्रहार किया। यानी चीन के साथ अमेरिकी ट्रेड वार शुरू होते ही चीन की जीडीपी को बड़ा झटका लगा। उसकी ग्रोथ दर जो 8% की तरफ बढ़ रही थी वह 6% पर आ गई। आज अमेरिका पूरी तरह चीन के प्रति सख्त है। पिछले मुद्दों को फेरिस्त में रखते हुए अब सीपैक को अमेरिका द्वारा निशाना बनाया जाना साबित करता है कि आने वाले वक्त में चीन की यह महत्वाकांक्षी परियोजना दुनिया में विवाद और किसी बड़ी घटना का गवाह बनने जा रही है। खास बात यह है कि चीन जिस चतुराई से इसमें पाकिस्तान के भीतर हवा भर रहा है उससे इस मुगलों वाले कम बुद्धि वाले देश का बंटाधार होना तय है। वैसे भी इस खटारा पाकिस्तान का दुनिया में स्थान बेवकूफ और बखलोल का है, जिसे कोई भी ठोककर चला जाता है। अमेरिका की प्लानिंग से बेखबर पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान कॉरिडोर को समय से पूरा करने के मकसद से एक प्राधिकरण का गठन किया है। इस प्राधिकरण के पहले अध्यक्ष के रूप में पाक सेना के लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त असीम सलीम बाजवा को नियुक्त किया है। इस प्राधिकरण का मकसद कॉरिडोर को समय से पूरा करना है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका के मंसूबों को चीन भांप चुका है, इसलिए वह पाकिस्तान पर इसको पूरा कराने के लिए दबाव बढ़ा रहा है। लेकिन अमेरिका की प्रमुख राजनयिक एलिस वेल्स ने इस परियोजना में टांग फंसाकर अब इसके अस्तित्व में आने के उद्देश्य को काफी कमजोर कर दिया है। खासतौर से उसने गिलगिट बाल्टिस्तान से इसके गुजरने के विवाद को उभार कर सीधे सीधे भारत के पक्ष में खड़ा होने और उसे साथ लेकर सीपैक को सीओप कराने का एक प्रकार से ऐलान भी कर दिया है। शायद इसी का असर है जो चेला और जमुरा अपनी परियोजना को बचाने के लिए हरतकंडा आजमा रहे हैं।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।